लगातार हो रही हार के चलते चंद्रपुर से अपहरण की घटना सामने आई है। अपहरण के बाद उसे नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में लाया गया और आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। रिहाई के लिए 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि पुलिस को घटना की भनक लगते ही पीड़ित व्यवसायी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। यह घटना सोमवार आधी रात को सामने आई। पीड़ित का नाम प्रदीप गंगवार है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रपुर के दुर्गापुर थाना अंतर्गत जुआ क्लब है। प्रदीप जुआ खेलने का आदी है। वह हमेशा वहां जुआ खेलने जाता है। इस क्लब में मजहर नाम का शख्स भी जुआ खेलने जाता था। मजहर पिछले 6 दिनों से लगातार जुए में मोटी रकम गवा रहा था। जैसे ही वह पैसे जीत रहा था, उसे शक हुआ कि प्रदीप ने कार्ड के साथ छेड़छाड़ की है। सोमवार को मजहर व उसके साथी राजेश जादे, वसीम व दो अन्य ने चाकू की नोक पर प्रदीप का अपहरण कर लिया। उन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की। प्रदीप ने अपने दोस्त से पैसे मांगे। दोस्त ने मंगलवार दोपहर तक का समय मांगा। मजहर का साथी वसीम नागपुर में रहता है। आरोपी फोर व्हीलर नंबर MH31BS7778 से प्रदीप को नागपुर लाया, उसकी भी पिटाई की। दोपहर करीब 1:30 बजे तहसील पुलिस को सूचना मिली कि मोमिनपुरा चौक पर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मजहर, वसीम और एक अन्य आरोपी वहां से फरार हो चुके थे, मगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तारीख 16 पहाटे 2 सुमारास मोमिनपुराच्या चौकाच्या अलीकडे प्रदीप दिनकर गंगणवार वय 41 राहणार भद्र महाकाली वार्ड गुरुमाऊली मंदिर सिटी पोलीस स्टेशन चंद्रपूर येथील प्रदीप आणि त्याचा एक मित्र झाडे या दोघांनाही आम्ही राजेश झाडे यांना डिटेन केलं होतं। लोकांनी आरडाओरडा केल्यामुळे तिथे लोक जमल्यामुळे यांना आम्ही डिटेन केलं। यांच्यासोबत एक इनोवा गाडी MH34CF BF7778 ही त्यांच्या ताब्यात मिळाली। ही प्रदीप गंगमवार याची गाडी होती आणि त्यांना पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर इंटरोगेट केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की चंद्रपूर सिटी पोलीस स्टेशन पोलीस मुख्यालयाच्या समोर चिंटू वाईन शॉपच्या बाजूला त्यांनी त्यांची ही गाडी पार्क करून ठेवलेली होती आणि गाडी पार्किंगमधून काढत असताना 4 इसमांनी त्यांना चाकूचा दाग दाखवून गाडीमध्ये बसवलं। गाडीमध्ये बसवून त्यांच्या खिशातील 50,000 रुपये रोख रक्कम काढून घेतली आणि त्यांना 50 लाख रुपयाची खंडणी मागितली आणि त्याच गाडीमध्ये बसवून त्यांना चंद्रपूर आणि चंद्रपूरच्या आसपासच्या परिसरात फिरवून ते रात्री 1 सुमारास मोमिनपुरा या भागात आले होते असं या तक्रारदाराचं म्हणणं होतं। आम्ही पोलीस स्टेशनला तशी रितसर नोंद करून त्यांचे सविस्तर बयान नोंदवून घटनास्थळ हे चंद्रपूरमधलं सिटी पोलीस स्टेशनच्या दुर्गापूर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतलं असल्यामुळे पुढील कारवाई करता त्यांना स्टाफसह चंद्रपूर येथे रवाना केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।